हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल फ्रॉम फिजिकम एकेडमी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज द सिलेबस ऑफ आईटी जेम। मींस अगर आप आईटी जेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आईटी जेम केमिस्ट्री का स्पेसिफिकली क्या सिलेबस है, तो उसके लिए मैं आपको एक विंडो पे ले चलती हूँ। ये हमारा सिलेबस है। ओके, जस्ट अ मिनट। तो फॉर केमिस्ट्री, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, वैसे जो आईटी जेम का सिलेबस होता है गाइस, दैट इज मोर ऑफ यू नो जो आपका बीएससी का सिलेबस है वही है। ठीक है, BSc 1 2 3। बट थोड़ा सा इसमें क्या होता है, एमएससी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो आपकी सिलेबस है ये आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और नीचे मैं लिंक डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सिलेबस रहता है दोस्तों, वो हमारा रहता है, मैं आपको हाईलाइट करके बताती जाती हूँ। ठीक है, वो रहता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, साथ में सेकेंड चैप्टर गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट ये अभी ही इंट्रोड्यूस हुआ है इस साल ही, सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके साथ में केमिकल काइनेटिक्स, एडसॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशंस, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, नेचुरल प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री, एरोमेटिक एंड हीट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो द सिलेबस इज पीरियोडिक टेबल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स एस एन पी ब्लॉक्स, ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक, बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये हमारे टोटल यूनिट्स हैं जो कि आईटी जेम्स के केमिस्ट्री के सिलेबस, जो कि सिलेबस है फॉर आईटी जेम 2023 एंड 2024। तो अगर आप कभी भी प्रिपेयर करने जाते हैं आईटी जेम के लिए, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के रिस्पेक्ट में ही आपको प्रिपेयर करना है, और आपको यू नो क्रैक करके अपनी आईटीज या आईएससी बेंगलोर जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप अपनी जगह बना सकते हैं। सिलेबस से हट के कुछ अलग ना पढ़ें, जैसे कि सीएसआईआर नेट या गेट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि वो फिर आपको कंफ्यूज करता है। जो इस बार पेपर आया था वो काफ़ी बेसिक लेवल का था। ओके, मतलब डेप्थ में पूछे गए थे क्वेश्चन थे वो इजी, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो फिर सॉल्व करना मुश्किल था। तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें फिर आगे चलें। मैं बाकी वीडियोस लेके आती रहूँगी आपके लिए, जिसमें मैं आपको अल्टीमेटली बताती रहूँगी कि कैसे आप यू नो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं आईटी जैम के लिए, और मेरे साथ आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं केमिस्ट्री फॉर आईटी जैम। ओके, तो तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।